नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने 16 साल बाद लिया ये बड़ा फैसला। अब बिहार सरकार आपके घर पहुंच करेगी ये जरूरी काम। बीएसएससी अभ्यर्थी का बयान, तानाशाही रवैया अपना रहा प्रशासन। महावीर मंदिर में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। इंटरनेशनल क्रिकेट से मुरली विजय का संन्यास। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। LIC ने 9000 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के 9000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2023 तक है। वैसे कैंडिडेट जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे LIC की ऑफिशियल वेबसाइट https.licindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य कोई भी जानकारी लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर दिया नोटिस देख सकते हैं। बिहार बोर्ड ने 16 साल बाद लिया ये बड़ा फैसला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 16 साल बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि लिए गए फैसले के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक के कुल 9200 स्कूलों को 11 अंकों का नया कोड दिया गया है। मालूम हो कि बोर्ड की ओर से अंतिम बार वर्ष 2007 में स्कूलों का 10 अंकों का नया कोड जारी किया गया था, जब इंटर को माध्यमिक से अलग किया गया था। वहीं स्कूल अपना नया कोड BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.gov.in पर जाकर न्यू कोड नाम के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जोड़ा गया है, ताकि ये सभी आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सके। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुभद्रा देवी के बारे में। कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान किया गया था, जिसमें से एक नाम बिहार के मधुबनी की सुभद्रा देवी का भी है। बता दें कि 82 वर्ष की हो चुकी सुभद्रा देवी की पेपर मेसी की कला में महारत हासिल है। उन्हें अपने इसी कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालूम हो कि वो बचपन में दूसरों की देखा देखी में पेपर मेसी की कला सीखी थी। बचपन में ही वह चूल्हा, गुड़िया और अन्य कलाकृतियां बनाया करती थी। जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इससे पहले भी 1980 और 1991 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब बिहार सरकार आपके घर पहुंच करेगी ये जरूरी काम। बिहार के आम लोगों को शहरी सुविधाओं के लिए बार बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा लोगों को बड़ी सहूलियत देते हुए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, जिससे वैसे सभी तमाम सेवाओं की डिलीवरी आसान हो जाएगी, जो सरकार के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से सूबे के शहरी निकायों में दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि यह काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही इसके तहत शिकायतों की सुनवाई के लिए सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर लोगों की समस्याएं सीधे ऑपरेटर या IVRS के माध्यम से सुनी जाएंगी और सुझाव दिया जाएगा। JEE के रिजल्ट की मांग को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उतरे पटना की सड़कों पर। बीते दिन बिहार में जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे और JDU RJD कार्यालय के साथ साथ BJP कार्यालय का भी घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा नारे लगाए गए कि रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए तीनों पार्टियों के कार्यालय की सुरक्षा प्रशासन के द्वारा बढ़ा दी गई थी। दरअसल सरकार के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कनीय अभियंता पद के लिए साल 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी और रिजल्ट का प्रकाशन करने के बाद यह कहकर वापस ले लिया गया था कि रिजल्ट में और भी संशोधन करना है, जिसके बाद संशोधन के नाम पर अब तक रिजल्ट दोबारा जारी नहीं किया गया और आयोग की तरफ से सिर्फ तारीख दी जा रही है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए और अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो इसमें सरकार दोषी है। भ्रष्ट अफसरों को न्यायालय के निर्णय के बाद ही मिलेगी फील्ड पोस्टिंग। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा बिहार में सैकड़ों भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया है। वहीं कुछ माह तक निलंबन किए जाने के बाद इन अधिकारियों की चुपके से फील्ड पोस्टिंग कर दी जाती है। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर यह साफ कर दिया गया है कि अब DA केस में न्यायालय के निर्णय के बाद ही फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। इसके बावजूद अगर सचिवालय में बैठे अधिकारी अगर किसी भ्रष्टाचार के आरोप
आरोपी को फील्ड में भेजते हैं तो वे सवालों के घेरे में खड़े हो सकते हैं। सरकार के अधिसूचना में उन अफसरों को झटका लगा है जो चोरी चुपके भ्रष्ट अधिकारियों को फील्ड रिपोर्टिंग दे देते थे। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बख्तियार खां के मकबरा के बारे में। बख्तियार खां का मकबरा कैमूर जिले का एक मुख्य ऐतिहासिक स्थल है। यह मकबरा बहुत सुंदर है। यह मकबरा कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 16 और 17वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। यह मकबरा बहुत सुंदर है। यह मकबरा मुगल शासक बख्तियार खान का है। यह मकबरा अष्टभुजीय है। इस मकबरे में एक बरामदा है जिसकी छत पर 24 छोटे छोटे गुंबद स्थापित है और बीच में एक बड़ा सा गुंबद बना हुआ है जो बहुत सुंदर लगता है। यह मकबरा चैनपुर में कोहिड़ा नदी के किनारे बना हुआ है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। इस मकबरे के आसपास और भी बहुत सारी जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं। यहां पर एक दरगाह देखने के लिए मिलती है। हनुमान मंदिर और बौद्ध मंदिर भी देखने के लिए मिलते हैं। यह मकबरा एक प्राचीन स्मारक है और आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। अब नक्शे के रंग से पता चलेगा जमीन विवादित है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जमीन दलाल हमें बेवकूफ बनाकर विवादित जमीन भी हमें बेच देते हैं और हमें बेवकूफ बना देते हैं। इसी को देखते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के द्वारा दिशा निर्देश के बाद जमीन विवाद बढ़ने और उससे होने वाले अपराधों को रोकने के लिए GIS मैपिंग से निगरानी की जा रही है और भू समाधान पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, जिसके बाद इस पोर्टल में मुख्य सचिव तक ऑनलाइन किसी भी वक्त किसी भी मामले की जानकारी ली जा सकेगी, जिसमें तीन रंगों का प्रयोग करके जमीन और उसके विवाद की प्रवृत्ति को दिखाया जाएगा। बता दें कि जिन तीन रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें लाल, पीला और हरा रंग होगा, जिसमें अगर नक्शा लाल रंग का होता है तो इसका मतलब है कि जमीन नहीं खरीदनी है, इस पर विवाद है। इसके साथ ही अगर किसी जमीन का विवाद सुलझ जाता है तो मैप में इसका कलर बदल दिया जाएगा। अब इस आपसे पाएं बजट से जुड़ी पूरी जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा। अगर आप भी बजट के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें सांसद टीवी, दूरदर्शन और यूट्यूब है। लेकिन आपको बता दें कि अब आपके इस ऑप्शन में मोबाइल का एक ऐप भी जुड़ गया है जिसमें आप बजट से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बता दें कि इस ऐप का नाम यूनियन बजट मोबाइल ऐप है, जो कि संसद में बजट पेश होने के तुरंत बाद हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको बजट उपलब्ध करवा देगा। इस ऐप में बजट को डॉक्यूमेंट्स के रूप में अपलोड किया जाएगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ www.indianbudget.gov.in की वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बीएसएससी अभ्यर्थी का बयान, तानाशाही रवैया अपना रहा प्रशासन। बीएसएससी अभ्यर्थी बीएसएससी की तीनों शिफ्टों की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों की ओर से सरकार को जो 29 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था उसकी अवधि समाप्त हो गई है, जिसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा बीते दिन बीएसएससी कार्यालय का घेराव करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों के आयुक्त कार्यालय पहुंचने के पहले ही प्रशासन के द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया था, जिस वजह से अभ्यर्थी आयुक्त कार्यालय के पास नहीं जुड़ सके। वहीं इस दौरान छात्र नेता सौरभ कुमार को पुलिस बल के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एयरपोर्ट थाने में रखा गया है। वहीं इस मामले पर छात्र नेता सौरभ कुमार का कहना है कि हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस बल ने किसी को भी आयोग कार्यालय पहुंचने नहीं दिया और बाहर से ही खदेड़ दिया। वहीं कुछ अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचे और अध्यक्ष से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रही है और अभ्यर्थी को दबाने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र टीम ने अपराधियों के बीच मचाया हड़कंप। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर बीते वर्ष 2022 दिसंबर तक का आंकड़ा जारी किया गया है। बता दें कि आंकड़े के अनुसार 2022 दिसंबर तक कुल 88,647 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। मालूम हो कि इन सबकी गिरफ्तारी पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत चलाई जा रही अभियान के अंतर्गत की गई है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऑपरेशन प्रहार में शामिल वज्र टीम का काम चिन्हित अपराधियों और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करना है और 2022 का आंकड़ा बिहार पुलिस की इस विशेष टीम की बड़ी उपलब्धि है। बिहार में मौसम ने ली करवट। बिहार के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, तो वहीं कई जिलों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिन तक ठंड और बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इस दौरान पूरे प्रदेश में सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्य के लोगों को 5 फरवरी के बाद से ही ठंड में राहत मिल सकती है। बता दें कि उत्तर भारत में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से ठंड महसूस होगी, हालांकि अब शीतलहर जैसे हालात नहीं होंगे। वहीं कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा भी देखने को मिल सकता है।
महावीर मंदिर में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। अगर आपके मन में भी महावीर मंदिर में नौकरी करने की चाहत है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि महावीर मंदिर ने संस्कृत, हिंदी स्कॉलर, अनुवादक, प्रूफ रीडर एवं सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ऑनलाइन कंटेंट राइटर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को प्रूफ रीडर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक डिग्री या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कंटेंट राइटर पद के लिए उम्मीदवार के पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, पत्रकारिता अथवा संचार माध्यम में डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा इन दोनों पदों के लिए कम से कम संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट www.mahavirmandirpatna.org/online-application/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राएं भी कर सकेंगी मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी। राज्य सरकार के द्वारा अब न केवल अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं को स्कूली शिक्षा मुहैया करवाएगी बल्कि इन छात्राओं को अब अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने की भी अवसर दिया जाएगा। इसके लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि इस समय पटना, मोकामा, गया, सासाराम, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय स्थापित है जहां मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी की व्यवस्था की गई है। इसका फायदा अधिक से अधिक छात्राओं को मिल सके इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी और साथ ही शिक्षण कार्य और NTA वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 3 दिन के लिए मुखिया बनी छात्रा काजल, गिनाई कई खामियां। 13 वर्ष की छात्रा काजल कुमारी 3 दिनों के लिए पंचायत के मुखिया की कुर्सी संभाली। दरअसल काजल रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के हथनी पंचायत के अंतर्गत रूपहत्था गांव की रहने वाली है। जैसे ही काजल ने मुखिया का पदभार संभाला वैसे ही वे एक्शन में आ गई। उन्होंने सोमवार के दिन सुबह 10 बजे ग्राम सभा भी आयोजित की। ग्राम सभा के दौरान वार्ड 14 के सभी सदस्य मौजूद थे। 3 दिन की मुखिया बनी काजल को सभी लोगों ने अपने योजना का प्रस्ताव सौंपा। सभा के खत्म होते ही काजल निरीक्षण के लिए रूपहत्था मध्य विद्यालय के चक्कर लगाए। यहाँ उन्होंने कई गड़बड़ियों को पाया जिनमें कई शिक्षक उपस्थित नहीं थे। इसके बारे में पूछने पर प्रधानाध्यापक स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। इसके अलावा उन्होंने विद्यालय का शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश प्रधानाध्यापक को दिया। सीएम नीतीश का बीजेपी में नहीं मिलने के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा था कि हमें मरना मंजूर है लेकिन बीजेपी में शामिल होना नहीं। जिसके बाद बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि जब लालू यादव भी मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिता की तरह कंधा दिया गया था और गद्दी पर बैठाया गया था। आप मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन आप लोगों ने बिहार की जनता के लिए क्या किया वह यहाँ की जनता बखूबी जानती है और समझती है। इसलिए आप अपने पक्ष में कुछ भी बयान दें बिहार की जनता यह जानती है कि आप कितने सच बोल रहे हैं। यहाँ की जनता आपकी सच्चाई से वाकिफ है। इस बार बिहार में होने वाले चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता आपको पूरी तरह से आउट कर देगी। जेडीयू ने दिया उपेंद्र कुशवाहा को अल्टीमेटम। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा बीते दिन इशारों में जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में रहना है तो अनुशासन में रहना होगा, अगर पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलना है तो उससे पहले इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा कि जब जेडीयू की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है कि 2 फरवरी को जेडीयू के द्वारा जिला स्तर पर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाया जाएगा तो फिर पार्टी के किसी भी नेता को अपने निजी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। दरअसल 2 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा भी अलग से एक कार्यक्रम का योजना किया जा रहा है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, उन्हें अपनी गलत बयानबाजी तुरंत बंद कर देनी चाहिए। बढ़ती बिजली दरों पर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को घेरा। बिहार में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर बीते दिन गया जिले के वजीरगंज में राइस मिल का उद्घाटन करने पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान के द्वारा नीतीश सरकार को घेरा गया। उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है कि सरकार मौजूदा बिजली दर में 50% की वृद्धि करने जा रही है। इसे लेकर आम लोगों के मन में नाराजगी है। सरकार का यह फैसला परिवार के घरेलू बजट को सीधे तौर पर प्रभावित
प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही कल कारखानों और कृषि क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर अन्य प्रदेशों में प्रति यूनिट बिजली दर को देखें तो बिहार में अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिकतम दर से भी ज्यादा है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानक 8% और विद्युत विनियामक आयोग की ओर से 15% लाइन लॉस की छूट को 35 से 36% तक का लॉस दिखाकर घोटाला कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर महागठबंधन सरकार पर किया सवाल खड़ा। बीते दिन जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर से महागठबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जेडीयू ने आरजेडी से गठबंधन कर सबसे बड़ी भूल कर दी है। अगर पार्टी ने समय रहते निर्णय नहीं लिया तो पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। यही वजह है कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। वही जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि जेडीयू के नेताओं के द्वारा आपको पार्टी से निकालने की धमकी दी जा रही है, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली नहीं है जिसे जेडीयू से उखाड़ फेंक दिया जाए। बता दें कि ये सभी बातें उपेंद्र कुशवाहा ने तब कही जब वे बीते दिन एक दिवसीय दौरे के लिए बक्सर पहुंचे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट से मुरली विजय का संन्यास। भारतीय टीम के बल्लेबाज मुरली विजय ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सोमवार 30 जनवरी को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर 38 वर्षीय मुरली विजय ने संन्यास की घोषणा की। भारत की तरफ से 61 टेस्ट और 17 वनडे इंटरनेशनल खेल चुके मुरली विजय ने अपना पहला टेस्ट मैच 6 नवंबर 2008 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। वहीं आखिरी टेस्ट दिसंबर 2018 में। मुरली विजय ने कहा कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट जगत में नए मौके अजमाएंगे। मुरली विजय ने कहा कि वह आगे भी क्रिकेट में खुद को चैलेंज करते रहेंगे। विजय ने कहा कि उनका मानना है कि क्रिकेट के तौर पर यह उनके लिए नए सफर की शुरुआत होगी। मुरली ने लिखा, 2002 से 2018 तक का समय मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय रहा। इतने बड़े लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खान का 1561 में गुजरात के पाटन में हत्या कर दी गई। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वीरेंद्र वीर विक्रम शाह 1972 में नेपाल के 12वें राजा बने। कोलकाता में 1983 को पहला शुष्क बंदरगाह शुरू हुआ। झारखंड के राज्यपाल प्रभात कुमार ने 2002 में इस्तीफा दिया। भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद 2007 में विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी 2008 में भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु करार के विवादास्पद हाइड एक्ट कानून के जनक और पूर्व रिपब्लिकन सांसद हेनरी ने हाइड का निधन। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 31 जनवरी साल 2008 को यूपी को 5 साल के अंदर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,168 करोड़ रुपए की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 2000 में भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता के एन सिंह का निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मुद्रा योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक स्वीकृति पत्र ऋण अनुबंध शुल्क के रूप में 1,750 रुपए के भुगतान पर पीएम मुद्रा योजना के तहत 1,00,000 रुपए का ऋण देने का दावा करता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र नकली है। FIN MIN इंडिया की ओर से यह पत्र जारी नहीं किया गया है। अगर QR कोड के इस्तेमाल से करते हैं ऑनलाइन पेमेंट तो भूल कर भी ना करें ये काम। आज के समय में अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप QR कोड की मदद से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल आज के समय में QR कोड के जरिए भी ठगी के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान में रखना होगा और भूल कर भी यह गलती नहीं करनी होगी। अगर आप किसी दुकानदार को पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो पहले दुकानदार से सही QR कोड के बारे में पूछ ले। QR कोड स्कैन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी को दुकानदार से चेक जरूर करवा ले। अगर दूर बैठे शख्स को पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो पेमेंट के लिए दूसरे तरीके को ही चुने। इसके साथ ही ऑनलाइन मिले किसी भी ऑफर के लालच में QR कोड को स्कैन करने से बचें। बेटों के साथ परफॉर्म करने पर फेमस सिंगर शंकर महादेवन ने कही ये बात। दुनिया के बेहतरीन सिंगर्स में से एक शंकर महादेवन के दोनों बेटे सिद्धार्थ महादेवन और शिवम महादेवन ने भी संगीत की दुनिया में सक्रिय हो गए हैं। वहीं इस बारे में शंकर महादेवन का कहना है कि जब मैं दोनों बच्चों के साथ स्टेज पर खड़ा होता हूं तो उससे ज्यादा खुशी के पल मेरे लिए और कुछ ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब कभी भी मैं किसी कॉन्सर्ट में अकेला गाना गाता हूं और कहता हूं कि ये गाना मेरे बेटे का गाया हुआ है तो उस समय मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थ को 16 साल की उम्र में ही फिल्म भाग मिल्खा भाग के जिंदा है तो गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं शिवम ने भी अब तक 12 से 13 मराठी फिल्मों और कई हिंदी फिल्मों में म्यूजिक बना चुके हैं।
यूनियन बजट 2023 से मंत्री आलोक मेहता को काफी उम्मीदें। बीते दिन बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री आलोक मेहता हाजीपुर के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के द्वारा बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि उन्हें बजट से कितना उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दीपक कुमार ठाकुर के संपर्क में लगातार रहेंगे, जिनका ओमान में बहुत बड़ा बिजनेस है। उन्होंने कहा कि अपने स्वदेश खासकर बिहार और उसने भी वैशाली में इंडस्ट्रीज लगाए, जहां मेरा पूरा सहयोग रहेगा। सरकार के रूप में भी मैं और व्यक्तिगत रूप में भी मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा। उन्होंने कहा कि बजट जनता के सापेक्ष और बिहार के सापेक्ष बजट होगा, यह बहुत प्रोग्रेसिव बजट होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रमन कुमार, रोशन कुमार, शंकर मुखिया, चीवनाथ मंडल, मोहम्मद सकीर हुसैन, राहुल प्रजापति, चंद्रादीप, रंजीत सिंह, रंजीत मिश्रा, नुन्नू गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, पंकज कुमार, श्वेता रॉय, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री से किस तरह की बजट की उम्मीद करते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।